उत्तर प्रदेश में अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने बड़ा फैसला किया है। विभाग के निदेशालय पर एक कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में जितने भी खनिज के पट्टे दिए गए हैं उनकी निगरानी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। हम लोग का एक इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्वेलांस सिस्टम की हम लोग आज शुरुआत कर रही है, जिसके दो तीन फेज है। प्रथम फेज में ड्रोन सर्वेलांस शुरू कर रही है, जिसमें एक कमांड सेंटर और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो खनिज बाहुल्य जनपदों में जो खदानें हम लोगों की उस पर निगरानी रखी जाएंगे, और उसमें खनन क्षेत्र के स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के बाहर अगर खनन होगा उसकी जानकारी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त होगा और लोकल अधिकारियों को चेकिंग के लिए सचेत किए जाएंगे। इसके आगे वाले कड़ी में हम लोग व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम भी प्रारंभ करेंगे, ताकि ENM 11 के अवैध जो उसके बेस आधार पर अवैध परिवहन ना हो, ओवरलोडिंग ना हो, उस हेतु भी आगे कार्रवाई की जाएगी। अब आपको लगता है कि अवैध खनन पे काफी चेकिंग और कार्रवाई आज भी हो रही है, मगर एक व्यवस्थागत सिस्टम से, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से जब चेकिंग होगा तो उसका निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और सभी पट्टेदारों पे भी और जो भी अवैध खनन करता है उनके अंदर एक डर बना रहेगा कि शासन द्वारा निगरानी की जा रही है, और अवैध खनन रोकना शासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में है।